मेनोपॉज वो समय होता है जब नेचुरल तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। आमतौर पर 40 से 50 की उम्र के बीच मेनोपॉज हो सकता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही वो दो हार्मोन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म और ओवुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब ओवरी यानी अंडाशय अंडे रिलीज करना बंद कर देता है तो इससे मासिक धर्म रुक जाता है। ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाली नेचुरल प्रक्रिया है और ये अधिकतर 40 साल की उम्र के बाद हो सकता है। चलिए आज आपको बताते हैं मेनोपॉज से जुड़ी हर जरूरी बातें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले बदलाव को मेनोपॉजल ट्रांजिशन कहा जाता है। कुछ महिलाओं को सर्जरी, ओवरी रिमूवल या कीमोथेरेपी के चलते ओवरी के डैमेज होने से अर्ली मेनोपॉज यानी समय से पहले मेनोपॉज को झेलना पड़ सकता है। आखिरी पीरियड से 12 महीने का समय एक महिला के मेनोपॉज को बताता है। यूं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन पीरियड्स बंद होने के बाद महिलाओं में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाएं पोस्ट मेनोपॉज फेज में प्रवेश करती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल झेल रही महिलाओं को दिल की बीमारी और हड्डियों से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा होता है। हड्डियों की सेहत के लिए हेल्दी डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल और अपने डाइट को मल्टीविटामिन और कैल्शियम के साथ सप्लीमेंट करने की सलाह दी जाती है। मेनोपॉजल ट्रांजिशन अपने साथ हॉट फ्लैशेस, इरेगुलर या मिस पीरियड, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, सेक्स डिजायर में कमी और नींद में परेशानी ला सकता है। मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर रीता बख्शी ने कुछ तरीके सुझाए हैं। शांत रहने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से हॉट फ्लैशेस से निपटने में मदद मिल सकती है। एक्सरसाइज करने, कैलोरी इंटेक कम करने से शरीर के वजन को मैनेज करने, एनर्जी को बूस्ट करने और स्लीप पैटर्न को सुधारने में मदद मिल सकती है। मन को शांत रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। इसके साथ ही अल्कोहल का सेवन और स्मोकिंग कम करें। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जोड़ों के दर्द की बीमारी को दूर रखने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी को अपने डाइट में शामिल करें। सोया, फ्लैक्स सीड्स, विटामिन ई जैसे नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आपको मेनोपॉज के लक्षणों में आराम देने में मदद कर सकते हैं। एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और अनिद्रा जैसी फीलिंग से निपटने के लिए अपने फिजिशियन से बिना संकोच के खुलकर बात करें।